फ्रेंड्स, आजकल शायद ही कोई वैसा व्यक्ति होगा जो इंस्टाग्राम का न यूज करता हो। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाती है कि हमें अपना इंस्टाग्राम आईडी डिलीट करना पड़ता है। तो इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर देने के बाद दोस्तों, आप उसे रिकवर दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम का अकाउंट टेम्पररी कैसे डिसेबल करते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपनी फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे कि इंस्टाग्राम का अकाउंट टेम्पररी कैसे डिसेबल करते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम का अकाउंट टेम्पररी डिसेबल करने से ये मतलब है कि आप जैसे ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्पररी डिसेबल करते हैं तो आप जिस फोटो को लाइक किए थे, कमेंट किए थे, वो सब खत्म हो जाएंगे। साथ ही आपके इंस्टाग्राम से आईडी भी खत्म हो जाएगी, वो सर्च में बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, आप उसे दोबारा चाहे फिर कभी भी, साल, 2 साल, 1 मंथ या फिर 1 दिन के बाद आप उसे रीएक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिलीट से सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप उसे टेम्पररी डिसेबल कर दें और जब आपको मन करे आप उसे दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ वो आप इंस्टाग्राम की मेन ऐप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम ऐप में टेम्पररी डिसेबल वाला फीचर अवेलेबल नहीं है। इसलिए आपको ओपन करना होगा अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को। अगर आपके फोन में कोई और ब्राउजर है तो आप चाहें तो इसे ओपन कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको इस सर्च बॉक्स में लिखना होगा इंस्टाग्राम। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम टाइप कीजिएगा और उसे आप सर्च कीजिएगा। तो यहाँ पे ये पहले नंबर पे जो लिंक आता है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। ध्यान रहे, इसे इंस्टाग्राम ऐप में ओपन नहीं करना है। आपके फोन में जो भी ब्राउजर है वो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्रोम को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे आप अपनी इंस्टाग्राम का आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे पहले से ही अपने इंस्टाग्राम की आईडी और पासवर्ड से लॉग इन हूँ। दोस्तों, इंस्टाग्राम के अकाउंट टेम्पररी डिसेबल करना बड़ा ही सिंपल काम है। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे अपनी प्रोफाइल वाले आइकॉन पे, और प्रोफाइल वाले आइकॉन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स का। तो आप सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा। अब सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट प्रोफाइल का। तो आप एडिट प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करते हैं, देन आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं। देखिए, यहाँ पे टेम्पररी डिसेबल माई अकाउंट का ऑप्शन आ गया है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा और आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आइएगा। दोस्तों, यहाँ पे इंस्टाग्राम को बताना होता है कि आप अपने अकाउंट को टेम्पररी क्यों डिसेबल करना चाहते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे अपना रीजन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे काफी रीजन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली कोई भी रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं जस्ट नीड ए ब्रेक, हमें कुछ समय के लिए आराम चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड डालिएगा। यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड डाला हूँ। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप अपने एक बार इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्पररी डिसेबल करते हैं तो आपकी फोटो, कमेंट, लाइक सब कुछ हाइड हो जाएंगी जब तक आप इसे दोबारा एक्टिव न करें। दोबारा एक्टिव करने के लिए सिंपली आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप में आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा, फिर वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा। देन यहाँ पे अब हम क्लिक करते हैं टेम्पररी डिसेबल अकाउंट। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से क्लिक कर दे रहे हैं यस। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट टेम्पररी डिसेबल हो जाता है। अब यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान रखना होगा कि आप अपने आईडी और पासवर्ड से तब तक लॉगिन मत कीजिएगा जब तक आप उसे दोबारा एक्टिव न करना चाहें। अब आप कोई अपने फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर का फोन लेकर सर्च कर सकते हैं, आपकी आईडी इंस्टाग्राम में नहीं मिलेगी, वो सभी जगह से हाइड हो जाएंगे। और दोबारा आप उसे फ्यूचर में लॉगिन करना चाहें तो आप सिंपली अपने इंस्टाग्राम का आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा, तो फिर आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।